अलीराजपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में आज पिथौरा कला का प्रशिक्षण का एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। इस शिविर की खासियत ये थी कि इसमें पुलिस विभाग की ओर से दो ट्रेनर बुलाए गए थे जो कि पिथौरा कला बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस ट्रेनिंग में बड़ी संख्या में महिलाओं ने, खासकर पुलिस परिवार की महिलाओं ने शिरकत की तथा पिथौरा किस तरीके से बनाया जा सकता है इसको उन्होंने सीखा। एसपी विपुल श्रीवास्तव ने इस अवसर पर कहा कि पिथौरा कला को जीवंत करना उनका उद्देश्य था, साथ ही साथ पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए भी ये एक सीखने का मंच है। देखिए, पिथौरा पेंटिंग अलीराजपुर ज़िले की शान है और अलीराजपुर ज़िले में परंपरा रही है पिथौरा पेंटिंग्स बनाने की। उसी को देखते हुए जो हमारे पुलिस परिवार की महिलाएँ हैं उन लोगों को पिथौरा के संबंध में बताने के लिए और सिखाने के लिए जो यहाँ पे आर्टिस्ट हैं श्री देवी सिंह जी, उनके द्वारा एक कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की गई है जिसमें कि जो पुलिस परिवार के हमारी महिलाएं हैं उन लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे और पिथौरा के संबंध में अवगत कराएंगे। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने भी, जो कि खुद पिथौरा कला बनाने में निपुण हैं, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि ये वो कला है जिसके जरिए न सिर्फ इलाके की परंपरा और प्रथा को जीवित रखा जा सकता है बल्कि साथ ही साथ पुलिसकर्मी जो लगातार तनाव में काम करते हैं उनके तनाव को भी दूर किया जा सकता है। ये जो हमारे यहाँ का जो पिथौरा आर्ट है, जो हमारा ट्राइबल आर्ट है अलीराजपुर ज़िले का, एटलीस्ट ये बाहर बड़ा फेमस है, बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, अपनी दीवारों पे इसकी पेंटिंग्स भी काफ़ी बिकती है। लेकिन हमारे यहाँ लोकल में जो हम लोग यहीं के जो अलीराजपुर के रहने वाले हैं, इवन हमारे पुलिस लाइन के परिवार है, कोई भी इसको बनाना नहीं जानता था। और मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत कलाकार हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो इसी के चलते हमने थोड़ा सा पूछा था लोगों से, तो सबने इच्छा शक्ति जाहिर की थी कि है ना मैडम अगर कोई सिखाएगा तो हम 100% सीखेंगे। तो इसीलिए फिर हमने देवी सिंह भाई से बात करके है ना एक प्रशिक्षण है ना आयोजन यहाँ रखा है ताकि जितनी महिलाएं हैं जो थोड़ा बहुत भी इच्छा शक्ति रखती हैं, थोड़ा सा पेंटिंग का जो शौक रखती हैं, वो इस कला को सीख पाएँ और इस कला का थोड़ा सा प्रचार प्रसार भी होगा। और नहीं हो तो एटलीस्ट एक आध दो पेंटिंग्स वो अपने घर में बनाएंगी। और इन सब चीज़ों को करने से, पेंटिंग को करने से थोड़ा सा क्या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है और सबसे बड़ी बंदा कि ना खुश रहता है। तो इसी उद्देश्य को चलते हमने थोड़ा सा एक छोटा सा शिविर रखा है, देखो कितनी सफलता। इस अवसर पर पिथौरा कला सीखने के लिए आई कई महिलाओं ने काफ़ी उत्साह दिखाया। न सिर्फ उन्होंने पिथौरा कला के बारे में जानकारी हासिल की बल्कि उसके बनाने के तौर तरीके भी सीखे। अलीराजपुर लाइव से बातचीत में इस प्रकार की महिलाओं ने कहा कि इस प्रकार का आर्ट और इस प्रकार के शिविर उनके लिए काफ़ी सुकूनदायक हैं। सर, यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब हम ये पेंटिंग बहुत देखते थे लेकिन इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि इसे वास्तव में क्या कहते हैं। लेकिन आज हमें यहाँ के पता चला कि इस प्रकार की जो पिक्चर होती है ये पिथौरा पेंटिंग्स कहलाती है, जो कि जो यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं ग्रामीण, वो इसको एक मतलब देवी देवता के रूप में पूजते हैं। तो यहाँ आके मतलब हमें इसके बारे में ये जानकारी मिली और ये पेंटिंग को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमें भी ये चीज़ सीखना है और मतलब हम इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ आके। पिथौरा कला के ट्रेनर के रूप में इस शिविर में मौजूद देवी सिंह ने कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि पिथौरा कला वैसे भी इलाके से लुप्त प्राय हो रही थी। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार की कवायद करना सराहनीय है और उन्हें इस प्रशिक्षण शिविर में आके काफ़ी आनंद महसूस हुआ। जो साहब लोगों ने बुलाया है कि सबको प्रशिक्षण देना है तो सिखाने के लिए आए सब। क्या सिखाएंगे? ये जो परंपरा कला है हमारी, पिथौरा आदिवासी देव के रूप में बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए सिखाना है जैसे पिथौरा सबको आ जाए बनाते और क्या है महत्व वो समझने के लिए सबको आ जाए। अच्छा, अब इसके कारीगर नहीं है ना? जी सर, कारीगर तो कम पड़ रहे और इसके डिमांड ज़्यादा है। आपको लगता है ट्रेनिंग से फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा सर। यूं तो पुलिस विभाग का काम कानून व्यवस्था है लेकिन अलीराजपुर पुलिस ने एक नवाचार किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ इलाके की पिथौरा कला को जीवंत करने की ये कोशिश सराहनीय है। फिरोज खान, अलीराजपुर लाइव।